गाइज, इस स्क्रब के वन टाइम यूज में आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट दिख रही है, टाइट दिख रही है, आपके जो पोर्स हैं वो काफी हद तक श्रिंक होते हुए दिखेंगे वन टाइम यूज से। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सा DIY स्क्रब जो आपकी स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का, ऑयली स्किन को रिड्यूस करने का, पोर्स, ओपन पोर्स जो ऑयली स्किन पर ज्यादा देखने को मिलते हैं उन्हें ट्रीट कर स्किन को स्मूथ बनाने का गाइज बहुत ही अच्छा तरीका है। पोर्स का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही आपकी स्किन स्मूथ दिखेगी, हेल्दी दिखेगी, इवन दिखेगी। और जितना आपके पोर्स का साइज बढ़ने लगेगा उतना ही आपकी स्किन का टेक्सचर खराब होने लगेगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं लगेगी, मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप करोगे। लेकिन जो ये स्क्रब है इसके वन टाइम यूज में आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट दिख रही है, टाइट दिख रही है, आपके जो पोर्स है वो काफी हद तक श्रिंक होते हुए दिखेंगे। गाइज, जब एक ही बार में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो सोचिए जब आप इसे कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो आपकी स्किन पर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको लेना है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपको मिलेगा शुगर से, चीनी से। तो आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है और उसको दरदरा पीस लेना है। तो 2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा कॉफी पाउडर। ये आपकी स्किन को सिर्फ ब्राइटन करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, आपकी स्किन को, आपके पोर्स को ये टाइट भी करेगा। इसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, ज्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें लेमन जूस डाल देना है। ये आपके ऑयल को रिड्यूस करने में, आपके पोर्स को टाइट करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है लेमन जूस। ऐड करें इसमें हनी यानी शहद जो बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, स्किन को स्मूथ बनाता है। फाइनली ऐड करें इसमें 1 पिंच ऑफ टर्मरिक यानी चुटकी भर हल्दी। हल्दी में इतने गुण होते हैं आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, आपके रंग को निखारने के लिए, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चुटकी भर आप इसमें हल्दी ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये ना सिर्फ स्किन टाइटनिंग के लिए स्क्रब है बल्कि इसकी लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए भी काफी अच्छा स्क्रब है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपका जो स्क्रब है ये बनकर रेडी है। अब बात करें इसके अप्लाई करने की, तो आपने हाफ लेमन पील लेना है जिसका जूस निकला हुआ हो। फिर इस स्क्रब को इस लेमन पील के अंदर डालें और इसको लेकर अपनी स्किन को स्क्रब करें। शुगर में मौजूद ग्लाइकोलिक एसिड आपके पोर्स को रिड्यूस करने में, आपके पोर्स को टाइट करने में, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाने में, स्किन कोलाजन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। गाइज, इस स्क्रब के वन टाइम यूज में आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट दिख रही है, टाइट दिख रही है, आपके जो पोर्स हैं वो काफी हद तक श्रिंक होते हुए दिखेंगे वन टाइम यूज से। तो 8 से 10 मिनट हल्के हल्के हाथों से आप इससे अपनी स्किन को रब करें, नेक्स्ट 5 मिनट रखें एंड उसके बाद क्लीन कर लें। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।